हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 के एग्जांपल्स। तो इसका है एग्जांपल नंबर 1 है कि डू द पॉइंट 3 2 की पहला पॉइंट दिया हुआ है 3 2 और सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 -3 और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और में ट्राइंगल। क्या ये तीनों पॉइंट जो हैं कि इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, और अगर फॉर्म करते हैं तो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करते हैं? तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो मान लीजिए इन तीनों पॉइंट्स को हमने नाम दिया कि पहले वाले को ए, ए के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 3 2 और सेकेंड वाला पॉइंट है बी -2 -3 और थर्ड वाला पॉइंट को हमने मान लिया, थर्ड वाले पॉइंट को सी और सी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3। अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी दो कंडीशन होंगी कि अगर ये जो ए बी, बी सी और ए सी, ये हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो अगर कोई दो पॉइंट का सम थर्ड पॉइंट के इक्वल आएगा तो उन पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट, यानी कि वो सेम लाइन में लाइक करते हैं, और कोलिनियर पॉइंट होंगे तो वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। और अगर इन्हीं दो साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा तो वो हो गए, तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि वो एक लाइन में लाइक नहीं करेंगे। और नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर एक लाइन में लाइन नहीं करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे ट्राइंगल। मोटा मोटी बात यह है कि अगर इनमें से किसी दो साइड का सम थर्ड वाली साइड से ग्रेटर आए तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे और वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। और कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले ये चेक करते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस फार्मूला होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, कोई सा भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए बी। तो ए बी का मतलब है कि ए क्या है 3 2 और बी है -2 -3। तो ये x1 की वैल्यू, ये y1 और ये x2 और ये y1। तो ए बी क्या होगा कि x2 - x1, तो x2 कितना है -2 और x1 कितना है -3, तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 और y1 कितना है 2, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या है -2 - 3 यानी -5, यानी -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हम आए ये -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 -5 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना है -5 का होल स्क्वायर कितना है 25 और माइनस यहाँ भी -5 है तो इसका भी 25। तो ए बी की क्या वैल्यू आई, ए बी की वैल्यू आई √50 और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ कुछ इसके अप्रोक्स आएगा कि 7.07। तो ये तो आई पहली वैल्यू ए बी। अब क्या निकालते हैं, हम अब निकालते हैं बी सी। तो बी की क्या वैल्यू है -2 - 3 और सी की वैल्यू है 2 3। तो ये क्या है x1 और -3 क्या है y1, ये x2 और y1। तो bc क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर x2 - x1 प्लस y2 यानी 3 और -3 - 3 का होल स्क्वायर। तो bc की क्या वैल्यू आएगी -, प्लस तो 2 + 2 = 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 और -, प्लस तो 3 + 3 = 6,
सिक्स का होल स्क्वायर, यानी ये आया 4 का स्क्वायर 16 और 6 का 36, तो ये आया रूट 52, और इसको आप निकालेंगे तो ये आएगी कुछ अप्रोक्स वैल्यू 7.21 के। अब तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है एसी, तो ए की क्या वैल्यू है, ए के कोऑर्डिनेट है 32 और सी के क्या है 23, तो AC क्या होगा x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 यानी कि -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 और 3 माइनस 2 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 रूट 2, और ये इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 1.41। अब यहां से आपको ये चेक करना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते, तो AB की वैल्यू आई है 7.07 और BC की आई है 7.21 और AC की है 1.41, यानी अगर आप AB प्लस AC करें, अगर वो BC के इक्वल आए तो ये होंगे कोलिनियर पॉइंट, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, और अगर ये AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC तो ये क्या होंगे, ये होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट और ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। AC अगर आप करेंगे तो AB प्लस AC आएगा 8.48, इसके कुछ अप्रोक्स वैल्यू है, तो AB प्लस AC और BC की क्या वैल्यू है 7.21, तो sum of two sides is greater than third side, तो ये क्या है non collinear point, तो ये क्या करेंगे, तो this point form a triangle, ये तीनों point क्या करेंगे triangle form, तो ये क्या है non collinear point है, तो ये triangle form करेंगे क्योंकि sum of two sides is greater than third side। अब हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है कि इसमें हमें ट्राइंगल का नाम बताना है कि कौन सा ट्राइंगल, तो AB की क्या वैल्यू है 7.07 और AC की क्या वैल्यू है, AC की वैल्यू है 7.21 और BC की वैल्यू है 1.41, तो अब ट्राइंगल फॉर्म होंगे इसके चार केस हैं कि अगर AB equal to AC या AB equal to BC या AB या AC equal to BC, यानी कोई भी अगर दो साइड ट्रायंगल की इक्वल हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है कि AB equal to AC equal to BC तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर AB यानी कोई सी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं है तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे जहां पर तीनों साइड अलग होती हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे स्केलर ट्रायंगल, और अगर सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड कि सम ऑफ टू साइड्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स sum of squares of two sides is equal to square of third side, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और ये किससे कहेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर किन्हीं दो साइड का सम किन्हीं दो साइड का स्क्वायर्स का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो उनको हम क्या कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल 07, तो आप टफ कैलकुलेशन से बचने के लिए कि ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि AB की क्या वैल्यू आई थी रूट 52,
और ये आई थी रूट 52 और ये आई थी रूट 2। तो आप रूट 50 को आप लिख सकते हैं 5√2 और इसको लिख सकते हैं 2√13 और ये रूट 2। तो अगर आप करें कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आएगा तो ये क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले आप ले लेते हैं, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड कि ए बी का स्क्वायर क्या है कि 5√2 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है √2 का स्क्वायर। तो 5√2 यानी कि 25 × 2 प्लस √2 का स्क्वायर तो 25 × 2 50 50 प्लस 2 क्या है 52 यही लेफ्ट हैंड साइड। सेम आप निकाले राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है कि 2√13 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 4 × 13 तो ये कितना है 52। अब आप यहां से आप चेक करिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि 3√2 -2 -3 एंड 2√3 फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। देन बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो तीन पॉइंट दिए हुए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल। करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि शो दैट द पॉइंट्स 1 7 और 4 2 थर्ड वाला पॉइंट है -1 -1 और -4 and 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। अब वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर का मतलब है कि एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई चार पॉइंट हैं वो वर्टिसेस कब फॉर्म करेंगे। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाले क्लास नहीं देखे तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। और अब ये चार पॉइंट जो दिए हुए हैं इनको मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला पॉइंट है 1 7 8 और बी है 4 2 और सी है -1 -1 और डी है -4 और 4। तो ये स्क्वायर का फॉर्म करेंगे कि जब अगर हम मान लीजिए ए बी निकालेंगे फिर बी सी फिर सी डी और ए डी तभी तो स्क्वायर बनेगा ना कि ए बी सी डी। तो अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी आए तो क्या ये स्क्वायर होगा? नहीं, ये क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि एक तो पहले वाली ये कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए कि चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो। और जो ये जो डायगोनल है कि ए सी इक्वल टू बी डी, कि अगर ए सी इक्वल टू बी डी यानी डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये क्या होंगे स्क्वायर होंगे। तो आप डिस्टेंस फार्मूले से हम सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी का मतलब है कि एक की वैल्यू क्या है 1 7 और बी की वैल्यू है 4 2 यानी ये x1 y1 ये x2 y2। तो 4 - 1 x2 - x1 प्लस y2 - y1 यानी 2 - 7 स्क्वायर। तो 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -5 तो 9 + 25 3 का स्क्वायर 9 और 5 - 5 का 25 तो ये आया √34। अब सेम हम फाइंड करेंगे बी सी यानी बी की क्या वैल्यू है 4 2 और सी की है -1 -1
तो और ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, तो माइनस वन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर, यानी माइनस वन माइनस फोर यानी माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस टू यानी कि माइनस थ्री का स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी आई 25 प्लस 9, ये भी आई रूट 34। अब तीसरी वैल्यू क्या है, सी डी या डी सी। तो सी डी यानी सी का माइनस वन माइनस वन और डी क्या है माइनस फोर फोर, तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू यानी माइनस फोर और माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस फोर माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर यानी फोर प्लस वन यानी माइनस फोर और माइनस माइनस प्लस यानी माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस फोर और प्लस वन माइनस थ्री और फोर प्लस वन फाइव यानी माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और फाइव का स्क्वायर 25। तो ये वैल्यू कितनी आई रूट 34। अब हमें एक लास्ट वैल्यू चाहिए एडी की, जो इसकी वर्टिसेस। तो एडी की क्या वैल्यू होगी, ए की क्या वैल्यू है 17 और डी की वैल्यू है माइनस फोर फोर। तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एडी की क्या वैल्यू आएगी एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि माइनस फोर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस सेवन का होल स्क्वायर यानी वैल्यू आई फाइव का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर 25 माइनस थ्री का 9, तो रूट 34। तो यहां से पहली कंडीशन तो वेरीफाई होती है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, क्योंकि चारों वैल्यू किसके इक्वल है रूट 34, तो पहली कंडीशन तो वेरीफाई। अब इसके डायगोनल जो है उनकी वैल्यू हमने निकालनी है कि ए सी, अब ए की क्या वैल्यू है 17 और सी की क्या वैल्यू है माइनस वन माइनस वन, तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू यानी माइनस वन और माइनस एक्स वन यानी वन, तो माइनस वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी माइनस वन और माइनस सेवन, माइनस 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 वन माइनस वन यानी माइनस टू प्लस माइनस एट का स्क्वायर, टू का कितना होगा फोर और माइनस एट का 64 यानी कि एसी की क्या वैल्यू आई रूट 68। इसी तरह अब हमें वैल्यू निकालनी है बीडी की, तो बीडी में बी कितना है 42 और डी कितना है माइनस फोर फोर, तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि माइनस फोर और माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर और माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू, माइनस फोर माइनस फोर यानी कि माइनस एट का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, माइनस एट का क्या होगा रूट 64 प्लस फोर, तो ये भी कितना आया 68। तो यहां से क्या है ए सी इक्वल टू बी डी और दोनों की क्या वैल्यू है रूट 68। चारों तो वर्टिसेस की वैल्यू इक्वल है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, कितनी वैल्यू आई है इनकी चारों की रूट 34 और डायगोनल की जो वैल्यू है यानी ए सी इक्वल टू बी डी इन दोनों की क्या वैल्यू आई है रूट 68। तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यानी 17 फोर टू माइनस वन माइनस वन और माइनस फोर फोर आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, की स्क्वायर की क्या कंडीशन है, दो
कि चारों वर्टेक्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और जो दो डायगोनल है उनकी वैल्यू भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं है कि चारों वर्टेक्स के इक्वल हो, नहीं, डायगोनल की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए और जो चार वर्टेक्स है उनकी वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो ये पॉइंट क्या था, तो वो पॉइंट क्या फॉर्म करेंगे, स्क्वायर फॉर्म का। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 इसमें क्या है कि फिगर शोस द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन क्लास, कि ये जो फिगर है ये हमें बताती है कि किसी क्लासरूम में डेस्क किस तरीके से अरेंज है। असीमा भारतीय कैमिला आर सीटेड एट, कि असीमा के लिए यूज किया गया है ए, भारती के लिए बी और कैमिला के लिए सी। तो वो कहाँ सीटेड है, कि असीमा सीटेड है 3.31 पर, यानी एक्स का 3 और वाई का 1 इसके कोऑर्डिनेट, और बी भारती के हैं कि एक्स का 6 और वाई का 4 और कैमिला के हैं 8.6 यानी एक्स का 8 और वाई का 6। तो हमें ये बताना है, डू यू थिंक दे सिटेड इन ए लाइन, कि क्या आप ये सोचते हैं कि वो एक लाइन में सिट हैं, यानी एक लाइन में बैठे हुए हैं। अब इसका मतलब है कि हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट हैं, और कोलिनियर पॉइंट कैसे प्रूव होंगे, कि और वो ही उसका रीजन भी होगा कि हमें ये बताना कि अगर ये सिटेड लाइन में सिट है यानी कि कोलिनियर है, तो अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी, तो किन्हीं दो साइड का सम अगर थर्ड वाली साइड के इक्वल है तो वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट। तो वो क्या होंगे कि एक लाइन में बैठे हुए ये क्या पॉइंट है, ए के पॉइंट हैं 3.1 और बी के हैं 6.4 और सी के हैं 8.6। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी, और ए बी का मतलब है ये एक्स वन ये वाई वन और ये एक्स टू ये वाई टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई और 6 - 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 3 का स्क्वायर यानी 9 + 9 यानी √18। ये भी कितना है, √18। √18 का मतलब है कि 3√2, कि अगर हम 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 9 आएगा, 9√18। अब दूसरा पॉइंट हमें फाइंड करना है एसी, एसी और ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 3.1 और सी की क्या वैल्यू है 8.6। तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो एसी निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूले से, तो 8 - 3 x2 - x1 या x - x2 पर सेम वैल्यू, तो x2 - x1 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर यानी क्या आया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी √25 प्लस √25 यानी √13 और इसकी क्या वैल्यू आएगी 5√2। तो बीसी की क्या वैल्यू आई 5√2। अब लास्ट हमें वैल्यू निकालनी है बीसी की, तो बीसी क्या है, बी की वैल्यू है 6.4 और सी की वैल्यू है 8.6 यानी x1 y1 और x2 y2। तो बीसी की वैल्यू आएगी x2 - x1 यानी 8 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 6 - 4 का स्क्वायर। तो 8 - 6 कितना आया 4, 8 - 6 = 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 = 2 का स्क्वायर यानी 4 + 4। तो बीसी की क्या वैल्यू आई √8 और √8 की क्या वैल्यू, √8 आया है 2√2। अब अगर आप करें कि AB प्लस BC अगर ये AC के इक्वल आता है तो ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो AB कितना है, AB है 3√2 और BC कितना है प्लस 2√2
यानी इसमें से अगर हम रूट टू कॉमन लेंगे तो 3 + 2 यानी ये आया 5√2। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई 5√2 और राइट हैंड साइड यानी एसी कितना है 5√2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये क्या है यानी कोलिनियर पॉइंट है कि सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड। तो ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है। तो पॉइंट कौन कौन से दिए हुए हैं 3, 1, 6, 4 और 8, 6 ऑन ए कोलिनियर लाइन। तो इसका क्या मतलब है असीमा भारती एंड कैमेला सिटेड इन ए लाइन। ये तो हुआ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कि डू यू थिंक दे सिट इन ए लाइन। तो असीमा भारती और कैमेला एक लाइन में सिर्फ बैठी हुई हैं और इसका हमें रीजन भी देना है कि भाई क्यों ऐसा क्यों है कि वो एक लाइन में बैठी हुई है। यानी हमें ये बताना है बेसिकली कि ये कोलिनियर पॉइंट क्यों है। तो इसके सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज सम ऑफ टू पॉइंट्स इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट। अगर ए बी प्लस यानी सम ऑफ टू पॉइंट्स की अगर किसी दो पॉइंट का सम करेंगे तो वो थर्ड वाले पॉइंट के इक्वल है। तो ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है यानी वो एक लाइन में लाई करते हैं। और अगर आप सिंपल ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे सीधा ग्राफ से तो एक लाइन यानी एक सेकंड का सॉल्यूशन है ये सीधा एक लाइन भी है। तो ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है। तो वो तीनों एक लाइन में बैठे। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 4। इसमें क्या है कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और सच दैट पॉइंट एक्स वाई की जो एक्स वाई पॉइंट है कि जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस की जिसकी डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 और 3, 5। तो मान लीजिए ये पॉइंट है तो ये जो पॉइंट है ये मान लिया हमने P यानी एक्स वाई मान लिया हमने P और A ये मान लिया पॉइंट हमने 7, 1 A और B मान लिया हमने जो 3, 5 जिसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट मान लिया हमने B। अब डिस्टेंस का मतलब है कि AP इक्वल टू BP यानी P की जो डिस्टेंस है A से वो ही P की डिस्टेंस है B से। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है एपी और निकालना है बीपी। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं ये दोनों इक्वल तो ऑलरेडी दिए हुए हैं तो यहाँ से हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो एपी हम कैसे फाइंड करेंगे ए के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 1 और बी के हैं एक्स वाई। तो ये एक्स वन ये वाई वन ये एक्स टू वाई टू। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला एपी क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए बी की क्या वैल्यू आएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का स्क्वायर यानी सेवन का स्क्वायर 49 माइनस 2xy यानी कि माइनस 14x प्लस वाई का स्क्वायर 1 माइनस 2y। तो ये है ए बी की वैल्यू। इसी तरह हम निकालेंगे बी पी। बी पी क्या है कि b है 3, 5 यानी ये है एक्स वन वाई वन और ये है एक्स टू वाई टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो बी पी की क्या वैल्यू आई और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यानी एक्स स्क्वायर
प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस के 10। अब गिवन क्या है कि ए पी इक्वल टू बी पी। अब यहां रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ए पी का स्क्वायर इक्वल टू बी पी का स्क्वायर। अब ए पी क्या है, ये वाली वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इसका कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू बी पी क्या है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड से जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा, तो इस साइड क्या रहेगा, एपी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और बीपी की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस की 10y। अब इनमें से कुछ पॉइंट है वो आपस में एक दूसरे की कुर्बानी देंगे, तो यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट, तो इस साइड क्या रह गया कि 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y और इस साइड रह गया 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। तो 49 और प्लस 1 यानी क्या हुआ 50, तो माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इस साइड माइनस 9 और प्लस के 20 यानी 9 प्लस 25 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब ये साइड इस साइड शिफ्ट करेगी तो जो ये यहां साइन है ये चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 तो माइनस की 34 क्योंकि इस साइड प्लस का 34 है और माइनस की 6x इनकी प्लस के 6x और माइनस के 10y इनकी प्लस के 10y इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आप देखें माइनस के 14x और प्लस के 6x और माइनस के 2y प्लस के 10y माइनस के 2y प्लस के 10y और 50 माइनस 34 यानी प्लस के 16 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा माइनस के 14x में से अगर हम माइनस के 14x माइनस के 14x प्लस के 6x और माइनस के 2y प्लस के 10y प्लस 16 इक्वल टू 0। माइनस के 14x और प्लस के 6x एम की माइनस के 8x और ये 10y माइनस 2y एम की प्लस के 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। इसमें से आप 8 कॉमन ले लो तो माइनस x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी माइनस के x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी माइनस x प्लस y इस 2 को इस साइड ले जाओ तो माइनस के 2। अब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा एक्स माइनस वाई और यहाँ से भी माइनस कॉमन तो माइनस से माइनस कट तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आया 2। यानी इसका रिलेशन क्या है कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 या आप कहें एक्स इक्वल टू 2 प्लस वाई, ये रिलेशन है इन तीनों पॉइंट्स। तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूले से हमें वैल्यू निकालनी है और इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस यानी इस इसके कॉन्टेक्स्ट में कि ये पी और ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं तो ए पी यानी पी की ए से डिस्टेंस और पी की बी से जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के इक्वल है और दोनों साइड स्क्वायर करके हम इसका
रिलेशन निकालेंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू टू। अब करते हैं एग्जांपल नंबर फाइव। एग्जांपल नंबर फाइव, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट जो भी होगा, मान लीजिए पॉइंट p है, तो x की वैल्यू से x की वैल्यू होगी नल और y की वैल्यू होगी कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वो पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पर। और y एक्सिस पर कब लाई करेगा? जब x की वैल्यू जीरो होगी। विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। तो सिंपल इसमें भी क्या है कि ap इक्वल टू bp, ये हमें गिवन है। रिलेशन यहाँ पहले दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से पॉइंट फाइंड करना है, यानी हमें उस पॉइंट की यानी p की वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट मान लिया हमने p, p यानी 0 5 y, क्योंकि वो पॉइंट सिर्फ y एक्सिस पर है। और a की क्या वैल्यू है? 6 5। और b की वैल्यू है -4 3। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ap, यानी ये x1 y1, ये x2 y2। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे हम, तो AP की क्या वैल्यू होगी? x2 - x1। x2 - x1 इनकी 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इनकी y - 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 0 - 6 यानी -6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, यानी -6 36 प्लस a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला a² y² स्क्वायर b² 25 -5 का, तो -2ab यानी -10। ये आई ab की वैल्यू। सेम इसी तरह bp की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 - x1 यानी -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो bp की क्या वैल्यू आई? -4 का 16 प्लस a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला यानी 9 + y² - 6y। अब सिंपल हमने पहले ही गिवन है कि वो पॉइंट जो है, जो y एक्सिस पर हमने लिया है, इज इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस। तो ap इक्वल टू bp, अब यहां स्क्वायर रूट में वैल्यू, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ap की क्या वैल्यू है? यानी 36 और प्लस 25 कितना होगा? यानी ap की वैल्यू है y² - 10y, और 36 और प्लस 25 होगा 61 इक्वल टू bp की वैल्यू है 16 + 9 25, यानी 25 + y² - 6y दोनों साइड स्क्वायर, इस साइड भी, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो y² - 10y + 61, और इस साइड भी ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 25 + y² - 6y, तो y² का आपस में क्लैश हो गया, तो ये दोनों ने एक दूसरे की कुर्बानी दे दी। तो -10y + 61 = 25 - 6y। अब इनको इस साइड से कर लेंगे हम, तो -10y + 61 - 25 + 6y = 0, क्योंकि ये 25 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, और माइनस का 6y है तो इस साइड आएगा प्लस। -10y + 6y यानी -4y, और 61 - 25, तो ये आएगा 36 = 0 यानी -4y = -36, माइनस से माइनस कट, तो 4y = 36। तो y की क्या वैल्यू आई? 36/4 यानी 9। और x की वैल्यू पहले ही दी हुई है, तो वो पॉइंट कौन सा हुआ? यानी हमने क्या माना था? 0y, तो वो पॉइंट हुआ 0 9। और अब अगर आप निकालेंगे ap और
बीपी, तो आप वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एक दूसरे के इक्वल आएगी। तो वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है 09 व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ई एंड बी, यानी बीपी इक्वल टू, तो सिंपल डिस्टेंस फार्मूले का यूज है इसमें भी, और इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस। उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ में आई होगी, और अगर ये क्लास आपके समझ में आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी फायदा हो। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 जो कि सिंपल बेसिक इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इन क्लास में यानी एक्सरसाइज 7.1 के एग्जांपल और एक्सरसाइज 7.1 का कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।